हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एडेनियम की लीफ जब पीली हो जाती है किस कारण हो जाती है ये सब बताऊंगा। ये बीमारी से होती है या बिना बीमारी के भी हो जाती है, क्यों होती है, इसकी टिप्स एंड केयर के बारे में आज आपसे डिस्कस करूंगा। मुझे ज़्यादा तो ज्ञान नहीं है इस विषय में, लेकिन जितना एक्सपीरियंस लिया मैंने 2-3 सालों में एडेनियम के पौधों को उगाते समय, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा मैं। ये मेरे पास एडेनियम के प्लांट्स हैं जो कि 3 साल पुराने हो चुके हैं। कुछ मैंने अभी नए इसी बरसात से पहले मंगाए थे सीड्स, उनके द्वारा ग्रो किए गए थे, जैसे कुछ पौधे हैं छोटे छोटे। और ये जो बड़े हैं ये मेरे कई साल पुराने पौधे हैं, जिनका कोडेक्स भी आप देख सकते हो कितना मोटा है, जिसमें से कि छोटे प्लांट्स की मैंने प्रूनिंग कर दी थी 1 महीने पहले, जिससे उनका कोडेक्स मोटा हो सके और उनकी हाइट कम ऊंची हो प्लांट्स की। इसलिए आप देख भी सकते हैं ये है मेरे छोटे प्लांट्स, जिसको मैंने मिट्टी के सीमेंट के गमले में लगाया हुआ है। और इनके साथ जो सोइल मीडिया है उसके बारे में बताऊँगा, इसमें कैसी सोइल मैंने डाली है और मैं क्या क्या डालता हूँ जो खूब फ्लावरिंग करते हैं। और इतना मोटा कोडेक्स हो चुका है जिसका, ये आप देख भी सकते हैं कोडेक्स का। इसमें क्या सोइल में वेल ड्रेन सोइल तो जरूर होनी चाहिए, सभी कहते हैं ऐसे तो कि वेल ड्रेन सोइल हो, लेकिन वेल ड्रेन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यह एक बहुत ही कम में पानी मांगता है ये वाला पौधा, ऐसा है डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको अधिकतर रेगिस्तानी इलाकों में उगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है। अगर ज़्यादा पानी मिलता है तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसकी जहाँ से भी नमी ज़्यादा मिलेगी वहीं से एक गलना शुरू हो जाता है एडेनियम का प्लांट, इसलिए इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। ज़्यादा पानी देने से भी इसकी जो है रूट या स्टीम गलने लगती है। ये जो प्लांट्स है ये मेरा गल गया था थोड़ा सा, फिर मैंने कटिंग करके लगाया है इसको, तो साफ फंगीसाइड पाउडर लगा के उसमें डुबो के रखा 1-2 घंटा, फिर उसको निकाल के सुखाया, उसके बाद मैंने इसको रिपोर्ट किया। इसकी जो सोइल है वो ऐसी रखनी चाहिए जैसे कि गार्डन्स की जो मिट्टी होती है उसमें कोकोपीट मिला लिया जाए, थोड़े वर्मी कंपोस्ट, कुछ बजरी और कुछ इसमें डस्ट या जैसे रेत कहते हैं सैंड कंस्ट्रक्शन वाला, वो मिला लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे कि इसका और सबसे अच्छा हो मिल जाए कहीं तो वो है खंगल, जिसे हम सिंडर के नाम से भी जानते हैं, इसको सिंडर के नाम से जानते हैं। तो जो कैक्टस सकुलेंट प्लांट्स के लिए मिक्सर है वो प्लांट्स वही सोइल मीडिया इस एडेनियम के लिए बहुत अच्छा होता है। आप पीले जो पत्ते पड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके। जाते हैं वो चीज़ बताता हूँ मैं, पीले पत्ते पड़ने का कारण है जो इस समय दिसंबर या मार्च से के अलावा जो भी होता है वो होता है कम पानी, इसको कम पानी मिलने के कारण और ज़्यादा पानी से गल जाता है, इसलिए इसको पानी कितना देने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसका, इस चीज़ के लिए। दूसरा, जब इसको कोई बीमारी लग जाती है, सूख जाता है, गलने लगता है, जब भी इसके पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, नॉर्मली तो इसका अगर जो ये दिसंबर जनवरी फरवरी के माह में इसके पीले पड़ रहे हैं तो यह कोई बीमारी नहीं है, ऐसा ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है सर्दियों में, इसलिए इसकी ग्रोथ रुक जाती है, जिसमें इसके पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ हो जाता है पतझड़ के मौसम में। और इसके फिर मार्च आते ही फरवरी के एंड में दोबारा से नई लीफ आ जाती हैं और घना हो जाता है पौधा बहुत, आप देख सकते। और इसको जो पानी देना है, पानी उस समय देना है जब इसकी मिट्टी पूरी सूख जाए,
और इसको डेली पानी नहीं दिया जाता। अगर जब मिट्टी ज़्यादा गीली रहता है तो इसको ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है इस प्लांट को। अगर आप देख सकते हैं मेरे एडिनियम के पौधे की जो मिट्टी है वो कितनी सूखी हुई है, क्योंकि मैंने इसमें कल से पहले ही पानी दिया था, और जो कि अभी 2-3 दिन ऐसे चल जाएगा, क्योंकि मिट्टी नीचे से इसकी जो होती है वो बहुत गीली रहती है, ऊपर से हमें नज़र आता है जैसे सूख गई हो। आप देख सकते हैं ये कितना, इसका ट्रंक कितना मोटा हो चुका है दोस्तों। कोडेक्स जो है इसका एडिनियम का,